वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ओके, तो चलिए पहली थ्योरम पढ़ते हैं। पहली थ्योरम है ड्यूअलिटी थ्योरम। ड्यूअलिटी थ्योरम क्या बोलती है? अ बुलियन एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अनदर बुलियन एक्सप्रेशन बाय चेंजिंग ईच और ऑपरेटर टू एंड ऑपरेटर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मीन्स एक बुलियन एक्सप्रेशन को हम दूसरे बुलियन एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बाय चेंजिंग और ऑपरेटर इनटू एंड ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर में कन्वर्ट करके। ठीक है, या फिर कैसे लिख सकते हैं? बाय रिप्लेसिंग 1/0 एंड 0/1। ठीक है, इसका क्या मतलब है? और ऑपरेटर को एंड ऑपरेटर में बदल दो, नहीं तो एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर में बदल दो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेशन है अपने पास, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, तो इसका ड्यूअल क्या होगा? इसका ड्यूअल हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स हमने प्रोडक्ट को सम में बदल दिया। मीन्स और ऑपरेटर ये क्या है? ये अपना और ऑपरेटर है और ये क्या है? अपना एंड ऑपरेटर है। तो यहाँ पे क्या हुआ? एंड ऑपरेटर को हमने और ऑपरेटर में बदला। देख रहे हैं आप, एंड ऑपरेटर को हमने और ऑपरेटर में बदला। ठीक है, तो ये एक बुलियन एक्सप्रेशन थी, इसको हमने अनदर फॉर्म में एक्सप्रेस किया यहाँ पे। चलिए कुछ ऑपरेटर्स और वेरिएबल देखते हैं। कुछ ऑपरेटर या फिर वेरिएबल और उनके ड्यूअल देखते हैं क्या होते हैं। ठीक है, जैसे एंड को हम और में बदल देते हैं, और को हम एंड में बदल देते हैं, जीरो को हम वन लिख देते हैं और वन को हम जीरो लिख देते हैं, ड्यूअल की बात जब हो तो। ठीक है, सिमिलरली ए को हम ए बार लिख देते हैं और ए बार को हम ए लिख देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स थे। ये वेरिएबल्स हैं और ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और उनके ड्यूअल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड थ्योरम है अपना डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम में दो थ्योरम है, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम एंड डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम। ठीक है, तो चलिए डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम हम लोग देखते हैं क्या होती है। ये क्या बोलती है कि इट इज स्टेटेड दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सम ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। मीन्स क्या बोल रही है कि ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट। यही बात है ना, सम ऑफ द टू वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स। वही हो रही है यहाँ पे चीज। और अगर हम थ्री इनपुट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट बराबर हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी का कॉम्प्लीमेंट। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे भी देख लीजिए, सम ऑफ थ्री वेरिएबल्स का कॉम्प्लीमेंट बराबर हो रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो रहा है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे हम? चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ हमने क्या इनपुट दिया? ए। यहाँ क्या दिया? बी। ये कौन सा गेट है? ये है आपका नॉर गेट। नॉर गेट है तो क्या आउटपुट मिलेगा हमें? ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए दिया, यहाँ पे मैंने बी दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया? ए बार आया। यहाँ पे क्या आया? बी बार आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ए बार इंटू बी बार, क्योंकि ये क्या है? एंड गेट है। ओके, और एंड गेट का क्या होता है? आउटपुट ए डॉट बी। तो यहाँ पे इनपुट क्या है? ए बार और बी बार, तो ये हो गया अपना आउटपुट। ठीक है, इसी को हम, ये इसके इक्वल है कि नहीं ये हम ट्रुथ टेबल से चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो अपना ट्रुथ टेबल है ही, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस बी बार इक्वल हो रहा है ए बार डॉट बी बार के। ठीक है, चलिए केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस हमने लिया कि ए जीरो है और बी भी जीरो है। ठीक है, तो इस वाले
को सॉल्व करते हैं पहले, 0 प्लस 0 का बार क्या हो जाएगा, 0 का बार मींस 1 हो जाएगा। इस वाले को सॉल्व कीजिए, 0 का बार इनटू 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 इनटू 1 1 हो जाएगा। मींस फर्स्ट केस में ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। सेकंड केस लीजिए, a is equal to 0 एंड b is equal to 1, ठीक है। फिर से इसको चेक कीजिए, तो क्या हो गया, 0 प्लस 1 का बार इज इक्वल टू, इसको चेक कीजिए क्या हो गया, 0 बार इनटू 1 बार। तो यहां पे क्या आया, 0 प्लस 1 1 1 का बार इज इक्वल टू 0 का बार इज इक्वल टू 1 एंड 1 का बार इज इक्वल टू 0, तो 1 का बार इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 एंड 1 इनटू 0 इज 0, तो यहां पे ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। चलिए थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस क्या है, a is equal to 1 and b is equal to 0, ओके okay? तो फिर से लीजिए केस यही, तो क्या आ गया, 1 plus 0 का बार is equal to 1 बार into 0 बार, तो क्या आ गया, 1 plus 0 का बार means 1 का बार and equal to क्या हो गया, ये 1 का बार is equal to 0 and 0 का बार is equal to 1, ये बार मैं complement के लिए यूज कर रहा हूं, ओके okay? जस्ट, तो 1 का complement क्या हो गया यहां पे, 0, और ये क्या हो गया, 0 into 1 0, hence equal हो गया ये दोनों चीज, यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी। अब लास्ट केस, फोर्थ केस, ठीक है, जहां पे a क्या हो गया है 1 और b क्या हो गया है 1, ठीक है। तो फिर से यही इक्वेशन देखिए, वेरीफाई करते हैं, तो 1 plus 1 का होल बार is equal to 1 बार dot 1 बार, ठीक है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो इधर क्या आ गया 0, 1 plus 1 क्या होता है, 1 होता है, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 0, तो hence proof, क्या proof किया हमने, कि ये और ये क्या है, equal है, यही हमने truth table के through भी बताया, और यही क्या कह रहा है, यही अपना क्या है, De Morgan's first theorem है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू और मोर वेरिएबल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मींस ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और अगर तीन इनपुट की बात आए तो ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट प्लस B का कॉम्प्लीमेंट प्लस C का कॉम्प्लीमेंट होता है, यही ये स्टेटमेंट भी कह रही है, ठीक है। अब चलिए, ये अपना क्या है, ये है NAND गेट, ठीक है, यहां पे मैंने A दिया और B दिया, तो ये क्या आया, A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहां पे मैंने A दिया और B दिया, ठीक है, ये क्या है अपना OR गेट है, OR गेट, ओके, तो ये A गया नॉट गेट के थ्रू होके जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए बार, और ये बी गया बी नॉट गेट के थ्रू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी बार, और ये और गेट में गया तो एडिशन हो गया दोनों का, तो क्या हो गया, ए बार प्लस बी बार। अब थ्योरम तो अपनी ये कहती है, तो चलिए इसी चीज को प्रूफ करते हैं, इसी चीज को प्रूफ करना है ना, तो ट्रुथ टेबल पे चलते हैं हम, इसके ट्रुथ टेबल में देखिए, ट्रुथ टेबल से तो मालूम ही चल गया कि ये इसके बराबर है, ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ करते हैं, चलिए केसेस लेके प्रूफ करेंगे कि ये इसके बराबर कैसे है, क्या प्रूफ करना है, कि a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, ठीक है, यही प्रूफ करना है ना। तो फर्स्ट केस ले लीजिए, फिर से a को 0 मानिए, b को 0 मानिए, चलिए देखिए, 0 * 0 का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 प्लस ये क्या हो गया, 1, ठीक है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है, 1, ये केस 1 था, वेरीफाई हुआ। सेकंड केस ले लेते हैं, देखिए a इक्वल टू 0 लेना है और b इक्वल टू 1 लेना है, ठीक है, तो चलिए इसी चीज को लिखना है, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट मींस 0 * 1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 0 * 1
जीरो हो गया, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया वन, प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया जीरो, तो ये जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वन, और वन प्लस जीरो क्या होता है वन, ये भी इक्वल आ गया। ठीक है, सेकेंड केस भी वेरीफाई हो गया। थर्ड केस देख लीजिए, ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्सप्रेशन अपनी यही है, इसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके मालूम करना है कि ये और ये दोनों क्या सेम वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो फर्स्ट केस में तो सेम वैल्यू मिली, सेकेंड केस में भी मिली। अब थर्ड केस देख लेते हैं, जहां पे a इक्वल टू वन रखा मैंने और b इक्वल टू जीरो रखा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन इंटू जीरो का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन का कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या हो गया, वन इंटू जीरो मीन्स जीरो का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हो गया, और वन का कॉम्प्लीमेंट मीन्स जीरो, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट मीन्स वन। तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया वन, और जीरो प्लस वन क्या हो गया वन, तो यहाँ पे भी वैल्यू सेम मिली, तो ये भी वेरीफाई हो गया केस। अब लास्ट केस बचा, जिसमें a इक्वल टू वन और b इक्वल टू क्या रखना है वन रखना है। ठीक है, तो देख लीजिए, वन डॉट वन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन इंटू वन वन मीन्स वन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया जीरो, प्लस वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया जीरो, और ये वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये अपना क्या हो गया, ये अपना लास्ट केस भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मालूम चल गया कि ये जो a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, यही हमारी क्या है डी मॉर्गन्स सेकेंड थ्योरम। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to get the further notification regarding the upcoming videos of digital circuit and system.